हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है इकोनॉमिक्स में, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने प्रोडक्शन फंक्शन कंप्लीट कर चुका है। प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे तो उसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शंस मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। प्रोडक्शन से मतलब है चार पांच चीज़ें एज ए प्रोड्यूसर। अब तक पहले हमने सारी चीज़ें देखी थी कंज्यूमर के रूप में। टर्म वन हमने कंज्यूमर का रूप में करा था, अब हम टर्म टू पूरा एक प्रोड्यूसर। एक आपको अपनी थॉट ये बनाना है कि आप एक प्रोड्यूसर हैं, हर चीज़ को उस हिसाब से आपको देखना है। सो प्रोडक्शन के अंदर जो जो हमने चीज़ें पढ़नी हैं वो है कॉस्ट, रेवेन्यू और उसके पूरे टर्म्स के बारे में। आज मैं कंप्लीट कराऊंगी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या आता है, शॉर्ट रन कॉस्ट कौन सी होती है, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, और एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और रिलेशन बिटवीन एवरेज मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट। इस वीडियो के अंदर हम अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टोटल की, कॉन्सेप्ट क्या होता है, और स्टार्ट करते हैं नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, कोई भी चीज़ आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए बनाने के अंदर हमें कुछ कॉस्ट मतलब कि कुछ पैसा लगता है या कुछ इनपुट्स लगते हैं हमारे। सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स ए फर्म नीड इनपुट। कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए फर्म को इनपुट की आवश्यकता होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स होते हैं, एक तो फैक्टर इनपुट होता है और एक लैंड, जिसके अंदर फैक्टर इनपुट कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे कहलाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नॉन फैक्टर इनपुट कौन से होते हैं, जो रॉ मटेरियल हमें प्राप्त होता है। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय ए प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर इज एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट ऑफ ए फॉर ए गिवन आउटपुट ऑफ ए कम्योडिटी। किसी भी कम्योडिटी को उत्पादन करने के लिए हमें इन दोनों की आवश्यकता होती है, परंतु जो हमारे पास नॉन फैक्टर इनपुट है वो मेन होता है। सो कॉस्ट को भी हम दो टाइप में दो उसमें बांट सकते हैं। सबसे पहले कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर। कॉस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय ए प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट और फॉर ए गिवन आउटपुट ऑफ ए कम्योडिटी। एक कम्योडिटी की आउटपुट, एक कम्योडिटी को उत्पादन करने के लिए उसके आउटपुट को बनाने के लिए कौन कौन से इनपुट लगते हैं, उनकी क्या कॉस्ट आती है, ये हम कॉस्ट से डिफाइन करते हैं। सो कॉस्ट भी टू टाइप्स की होती है, एक तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे इसको। सो कॉस्ट कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आता है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, ऑल इनपुट्स मे नॉट बी परचेज फ्रॉम द मार्केट। सारे इनपुट को हम मार्केट से परचेज नहीं करते, मतलब रॉ मटेरियल सारा हम मार्केट से नहीं लेते हैं। ए प्रोड्यूसर मे यूज सम सेल्फ ऑल ऑन इनपुट। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक वर्कर है फ्रॉम द मार्केट प्रोड्यूस मे यूज इज फैमिली लेबर। लाइकवाइज ए प्रोड्यूसर मे यूज इज ओन लैंड इंस्टेंट ऑफ टेकिंग इन ऑफ लीज। आपको पता है एक प्रोड्यूसर है, उसके पास खुद की लैंड है और वो उस पर क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। सो एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर कॉस्ट। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मैंने कहीं पर अपनी फर्म लगाई है, तो मैं जो लेबर रख रहा हूँ, लेबर को जो मैं उनकी कॉस्ट दे रहा हूँ वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई, मतलब कि मैंने खर्चा किया। एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑन द यूज ऑफ सेल्फ ऑन्ड इनपुट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाई। इन इकोनॉमिक्स में कहते हैं हम कौन कौन सी होती है, एक तो होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में मैंने अभी आपको बताया जो ऑल इनपुट्स मे नॉट बी परचेज फ्रॉम द मार्केट, सारे नहीं खरीदे जाते। ए प्रोड्यूसर मे यूज सम सेल्फ ऑन इनपुट्स, कुछ सेल्फ ऑन इनपुट्स होते हैं, एक तो एक्सप्लिसिट होती है और एक इम्प्लिसिट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट, कि हम मार्केट से कोई इनपुट को परचेज कर रहे हैं, वो सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लाई। और इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, इट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ और इनपुट। मतलब कि एक लैंड है,
उस लैंड पे मैंने काम शुरू किया तो उस पे लेबर रखा, लेबर को मैंने क्या किया, मैंने लैंड का इंटरेस्ट दिया या फिर लेबर को मैंने उस पे कॉस्ट वेजेस दी। इसके अलावा इम्प्लिट कॉस्ट, ये तो हो गई एक्सप्लिट कॉस्ट। इम्प्लिट कौन सी कॉस्ट कौन सी होती है, मान लो मैं एक खुद का लैंड है और खुद की लैंड पे लेबर लगा रही हूँ तो मुझे लैंड का जो किराया है वो नहीं देना पड़ा, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिट कॉस्ट। सो यहाँ हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट कौन सी होती है, एक्सप्लिट प्लस इम्प्लिट कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट कहलाती है। इट इज़ सिग्निफाइड टू नोट दैट इज इकोनॉमिक कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है, थर्ड पॉइंट हो गया ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। सो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने कॉस्ट का मीनिंग पढ़ा, यहाँ स्टार्ट करते हैं हम वापस से। कॉस्ट क्या होती है, द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन इनपुट टू प्रोड्यूस ए कमोडिटी इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक किसी भी कमोडिटी को उत्पादन करने के लिए उस पर जो खर्चा किया गया, उसके इनपुट्स पर जो खर्चा किया गया उसे हमने क्या किया, कॉस्ट कहा। अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कॉस्ट मैंने दो तरह की बताई, एक तो एक्सप्लिट कॉस्ट और इम्प्लिट कॉस्ट। एक एक्सप्लिट कॉस्ट कौन सी होती है, एक्चुअल मनी एक्सपेंसिव इनक्योर्ड ऑफ परचेजिंग ऑफ इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड एक्सप्लिट कॉस्ट। जैसे वेजेज है, रेंट है, ये सारे हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअल एब्सोल्यूट कॉस्ट कह सकते हैं हम इसको। अदर नेम इज एक्चुअल एब्सोल्यूट कॉस्ट कह सकते हैं एक्सप्लिट कॉस्ट को, जो हम दूसरों को देते हैं। इम्प्लिट कॉस्ट कौन सी होती है, दीज आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ ओन रिसोर्सेज सच एज ए रेट ऑफ ओन बिल्डिंग, मतलब कि खुद की बिल्डिंग होना, ऑन एंड इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, जो हमारी इंटरेस्ट है, कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट लेना। सो हम यहाँ पर ये दो चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, आगे मैं इम्प्लीट और इसके अलावा बनाऊंगी आपको। अभी हम इसको अंतर, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज मीनिंगफुल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड वी नो दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एक्टिव इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द टोटल सेक्रीफाइस इन्वॉल्व अंडरटेकिंग द एक्टिविटी। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट इज टू बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ सेक्रीफाइस। मान लो मैंने, मुझे जॉब मिल रही है 15,000 की और एक जॉब मुझे मिल रही है 41,000 की, तो मैं जो 41,000 की, नेचुरल है इंसान काम करता है पैसे के लिए, सो 41,000 की जॉब को मैं प्रेफर करूँगी, और मैंने जो छोड़ी है 15,000 की जॉब वो मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाई। मतलब मैंने जिसको, जिस चीज़ के लिए जिसको छोड़ा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाई। इसके अंदर भी दो तरह की कॉस्ट होती है, एक इम्प्लिट और एक एक्सप्लिट। अब हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, एक्सप्लिट कॉस्ट और इम्प्लिट कॉस्ट में क्या अंतर होता है। एक्सप्लिट कॉस्ट, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। अभी मैंने बताया कि जो मार्केट से हम परचेज करते हैं उनको हम जो वेजेस देते हैं, रेंट देते हैं, वो एक्सप्लिट कॉस्ट कहलाती है। इम्प्लिट कॉस्ट, इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूजिंग सेल्फ ऑन इनपुट्स। जो खर्चा हम अपनी चीज़ों पर कर रहे हैं वो इम्प्लिट कॉस्ट कहलाती है। इट इज़ मेजर्स इन द टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट, एक्सप्लिट कॉस्ट कैश पेमेंट में मेजर की जाती है, दैट अ फर्म मेक्स टू अदर फ्रॉम द परचेज ऑफ इनपुट। जैसे वेजेज है, वर्कर्स को दी जाती है, पेमेंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी का हम कर रहे हैं वो। और ये बताती थी इम्प्लिट कॉस्ट क्या है, इट इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट ऑफ द सेल्फ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज। जैसे इसमें हम बिल्डिंग हो सकती है या इंटरेस्ट हो सकता है जो कि हमारी खुद की कैपिटल पर लगता है। सो स्टूडेंट यहाँ मैंने कॉस्ट का मीनिंग बताया, कॉस्ट फंक्शन बताऊंगी मैं आपको अब आगे, और इसके टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताई है। सो नेक्स्ट वीडियो हम आगे कंप्लीट करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट को। टिल देन थैंक यू।